न्यूज़, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये एमएस न्यूज़ रेडियो और आप देख रहे हैं एमएस न्यूज़ टीवी। मैं हूँ आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर पुलिस का लाठीचार्ज, अधिकारियों पर गिरी गांज। मध्य प्रदेश के इंदौर के बलसिया थाना क्षेत्र में 15 जून की देर रात बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर मध्य प्रदेश ने लाठीचार्ज कर दिया। बजरंग दल के कार्यकर्ता अपने एक साथी के ऊपर FIR दर्ज को खत्म करने और शहर में बढ़ती नाकाखोरी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। आरोपी की इस दौरान कई घंटों तक पूरा पलासिया क्षेत्र में चक्का जाम रहा। बजरंग दल पर लाठीचार्ज के खिलाफ सरकार ने प्रशासन पर कड़ी कार्रवाई करते हुए संबंधित थाने के टाउन इंचार्ज को लाइन अटैच कर दिया है और यक IPS ट्रांसफर कर दिया गया है। क्या है पूरा मामला, मीडिया से बात करते हुए पुलिस उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह भदौरिया ने कहा कि पुलिस उपायुक्त बजरंग दल द्वारा अचानक ही पलासिया चौराहे का रास्ता रोक दिया गया था, जिससे जाम जैसी स्थिति पैदा हो गई। लोग परेशान थे, पुलिस द्वारा बार बार समझाइश की गई लेकिन यह लोग नहीं समझ रहे थे, जिसके बाद हल्का बल प्रयोग किया गया। इसमें कुछ पुलिस के जवान भी घायल हो गए। कोई लिखित मांग नहीं प्रस्तुत की गई, ना ही कार्यक्रम की कोई सूचना दी गई थी। क्विट हिंदी से बात कर मालवा प्रांत के बजरंग दल के प्रचार प्रमुख डॉक्टर कुंदन चंद्रशेखर ने बताया कि बजरंग दल समाज हितेशी संगठन है। उस क्षेत्र पबों के अंदर नशा बिक रहा है, बार के अंदर जो अश्लीलता हो रही है, समाज और संस्कृति का बहुत भारी नुकसान हो रहा है। इसको लेकर बजरंग दल ने संबंधित थाने के अधिकारियों को बताया था कि लेकिन अधिकारी उस बात को अनसुना कर रहे थे। आइए पढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गुजरात में लैंडफॉल शुरू, 94,000 लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया। गुजरात के द्वारका में चक्रवात बिपरजॉय का प्रभाव देखने को मिल रहा है। चक्रवात के प्रभाव से पेड़ उखड़ गए हैं, जबकि कई जगहों पर तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान के मद्देनजर सौराष्ट्र कच्छ तट के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि कुछ मछुआरों अगले 5 दिन की चेतावनी जारी की है। सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्रों में लैंडफॉल शुरू। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि चक्रवात बिपरजॉय की गुजरात के सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्रों में लैंडफॉल प्रक्रिया शुरू हो गई है और आधी रात तक जारी रहेगी। चक्रवात गुरुवार रात तक जखाऊ पोर्ट के पास मांडवी और कराची के बीच सौराष्ट्र कच्छ पाकिस्तान के निकटवर्ती तटों के पार करेगा। मौसम विभाग ने जारी की भारी बारिश को चेतावनी। मौसम विभाग ने ताबिक कच्छ, देवभूमि द्वारका और जामनगर के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होगी, जबकि गुजरात के पूर्वोत्तर राजकोट, मोरबी और जूनागढ़ जिलों में बहुत भारी बारिश की उम्मीद है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुभाष चंद्र बोस ने भारत की आजादी के कभी समझौता नहीं किया, NSS अजीत डोभाल ने कहा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने शनिवार को कहा कि सुभाष चंद्र बोस चाहते हैं कि भारतीय पक्षियों की तरह आजाद महसूस करें और उन्होंने देश की आजादी में कम से कम कभी समझौता नहीं किया। राष्ट्रीय राजधानी में नेता जी सुभाष चंद्र बोस स्मारक व्याख्यान देते हुए डोभाल ने कहा कि बोस न केवल भारत को राजनीतिक अधीनता से मुक्त करना चाहते थे, बल्कि उन्होंने लोगों की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मानसिकता को भी बदलने की आवश्यकता भी महसूस की। अजीत डोभाल ने कहा, नेताजी ने कहा कि मैं पूर्ण स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के कम किसी भी चीज के लिए समझौता नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि वह न केवल इस देश को राजनीतिक अधीनता से मुक्त करना चाहते हैं, बल्कि देश की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक और मानसिकता को बदलने की जरूरत है। NSA ने कहा कि लोगों को और उन्हें आकाश विमुक्त पक्षियों की तरह महसूस करना चाहिए। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर एमएस न्यूज़ टीवी आज डाउनलोड करें। इंस्टाग्राम, ट्विटर, हाइकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें बनी रही है एमएस न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार।